हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल वीटेल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीट डॉग वर्सेस फॉरनर डॉग्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कौन सा डॉग ज़्यादा बेस्ट है, आपको कौन सा लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्ट्रीट डॉग के लिए भी और फॉरनर डॉग्स के लिए भी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले देना, लाल कलर का बटन होगा उसका दबा देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लेते हैं स्ट्रीट डॉग। स्ट्रीट डॉग आपको इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा, आपकी गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह, हमारे मोहल्लों में, आपके में, सब इंडिया में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा फ्री में, वो भी बिल्कुल। और दूसरी तरफ फॉरनर ब्रीड्स हैं, उनको सर बाय करने के लिए पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, बहुत ज़्यादा, करोड़ों की ब्रीड्स हैं, लाखों की, हज़ारों में भी हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। फ्रेंड्स, जो भी डॉग लवर है, जो भी भाई डॉग लवर है, वो ओनली डॉग लवर है, उनके लिए ये दिल में नहीं होता कि भैया हाँ मैं फॉरनर ब्रीड्स ही लूँगा या स्ट्रीट डॉग लूँगा, उनके लिए सब इक्वल है, उनके लिए डॉग होना चाहिए बस। मतलब मेरा मतलब कहने का है, उनके लिए या तो स्ट्रीट डॉग होना चाहिए या कोई फॉरनर डॉग्स होना चाहिए, मतलब उनको बस डॉग से प्यार है, उनको किसी, उनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं देखना। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भाई डॉग लेने जाता है, जब भी कोई पेट शॉप ब्रीडर कहीं से भी डॉग लेते हो आप, तो आपके मन में रहता है कि हम स्ट्रीट डॉग ले लें फ्री में या फिर नॉर्मल जो है फॉरनर ब्रीड्स लें पैसे पे करके। तो फ्रेंड्स, चलो मैं वही डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, देखना है आपको क्या पसंद है। मैं आपको पहले बता दूँ, जो स्ट्रीट डॉग है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा जो फॉरनर ब्रीड्स हैं वो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, इधर उधर मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी घेर लेते हैं। बट उधर दूसरी तरफ देखा जाए स्ट्रीट डॉग, फ्रेंड्स एक बीमारी उनको छू नहीं सकती। कभी आपने देखा है किसी स्ट्रीट डॉग को बीमार देखे हुए? अगर उनके बाई चांस लग जाती है तो वो खुद अपने शरीर से ऐसे, मतलब कुछ भी चीज़ हो वो अपने आप रिकवर कर लेते हैं, अपने जीभ के थ्रू, कहीं से भी कुछ भी, जहाँ तक उनकी जीभ पहुँच पाती है वहाँ तक उनको कोई भी घाव नहीं लग सकता। डॉग की ये एक खासियत है, जहाँ तक उनकी जीभ पहुँच जाएगी, और फ्रेंड्स जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, अगर वहाँ घाव हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और स्ट्रीट डॉग है भैया, स्ट्रीट डॉग पालने का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पहली बात तो बिल्कुल वो फ्री में मिल जाता है, दूसरी बात वो पूरी केयर करेगा बगैर किसी। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो आपके सिवा किसी और को, मतलब किसी और को लाइक नहीं करेगा, दूसरों पे एग्रेसिव होगा आपको छोड़कर। स्ट्रीट डॉग की ये बहुत बड़ी खासियत है, वो सिर्फ आपको ही जानेगा और किसी को नहीं। चाहे आपका कोई रिलेशन आ जाए तो वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा, वो अपने नॉर्मल नेचर में रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी दूसरों, अगर आप कुछ कहोगे तो बहुत जल्दी काम भी कर देता है जो स्ट्रीट डॉग होता है। और उसे कोई भी बीमारी, मैंने जैसा बता दिया, बिल्कुल भी नहीं लगती। उसका कोई वो नहीं है कि भैया ये दे दो, कि ये खाने में मत दो, वो मत दो। भैया बिल्कुल आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती स्ट्रीट डॉग को बिल्कुल भी। आपने नॉर्मल अपने मोहल्ले में भी देखा होगा स्ट्रीट डॉग को। फ्रेंड्स, वो उल्टी सीधी चीज़ हो, अब वो भाई उन्होंने भी पेट भरना है तो वो कुछ भी खाएंगे, अगर पेट भरना है, ज़िंदा रहना है तो वो कुछ भी खा लेते हैं, बट उन्हें वो कभी बीमार नहीं होते कभी भी। हमारे मोहल्ले में भी है, हमारे मोहल्ले में एक डॉग है, उसकी टांग टूट गई, बट वो इतना इतना हार्ड वर्क करता है, वो उससे भी अभी भी दौड़ लेता है, सब काम कर लेता है उस टूटी टांग से। और दूसरी तरफ हम ले फॉरनर ब्रीड्स। फ्रेंड्स, फॉरनर ब्रीड्स को आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है, जैसे हम देखते हैं पार्वो हो गया, लेग्स बैंड हो गए, दांत टूट रहे हैं, खाना नहीं खा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। भाई मैं ये नहीं कह रहा, आप खुद देख लो, आपके पास डॉग होगा आप खुद देख लो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने भी डॉग पाला हुआ है, मेरे पे भी जर्मन शेफर्ड है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी खाना नहीं खा रही, कभी टांग नहीं खड़े हो रहे, हेल्थी नहीं हो रहे, वॉमिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हमें झेलनी पड़ती हैं। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, किसी भी चीज़ की, वो खाना प्रॉपर टाइम पे खाते हैं, ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, फुल एक्टिव होते हैं, कभी भी ये नहीं कि उदास से पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, फुल एक्टिव होते हैं, उनके पास जाइए एकदम एक्टिविटी में वो आ जाते हैं। उधर फॉरनर ब्रीड्स ले लीजिए, जैसे लैब्रा आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, वो सुस्त सुस्त सा होता है, और भी बहुत सारी ब्रीड हैं जो एकदम सुस्त सी होती हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरा मानते हो, मेरी बात को मानते हो, तो फ्रेंड्स आपको स्ट्रीट डॉग लेना चाहिए अगर आप एक डॉग लवर हो तो।
क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं उनको फॉरनर ब्रीड्स अच्छी लगती हैं, तो भैया कोई बात नहीं, आप फॉरनर ब्रीड्स ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी आपकी केयर करेंगे, सब करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन जो फॉरनर ब्रीड्स हैं फ्रेंड्स, वो एक तो मेन बात तो है वो फ्री मिलती हैं, उन्हें किसी चीज़ की बीमारी लगती नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आप उसे उन्हें ओपन भी रख सकते हो, कोई चीज़ किसी बात की दिक्कत नहीं है। अगर आप एक डॉग लवर हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्ट्रीट डॉग ले लीजिए, बहुत बढ़िया है दोस्तों, एकदम प्लस पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और फ्रेंड्स फॉरनर ब्रीड्स है उनमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पहली बात तो बजट है जो बहुत महंगे आते हैं, फिर उनमें पहली बात तो बहुत धोखा चल रहा है, आपको स्ट्रीट डॉग दे देंगे तो फिर आपको बहुत दुख होगा, दुख इस बात का होगा कि आपने पैसे दिए फिर भी उसने आपके साथ धोखा करा। लेकिन फ्रेंड्स कुछ बात नहीं, आप थोड़े दिन होंगे उससे भी लगाव लग जाएगा, फिर आप उसको भी नहीं छोड़ोगे। जो स्ट्रीट डॉग होती है बहुत बढ़िया फ्रेंडली ब्रीड होते हैं, जैसा कि आप खुद भाई देखते हो, आपके जो मोहल्ले में आप खुद उनका नेचर जानते हो कैसे हैं वो। और आपके पास अगर फॉरनर ब्रीड्स होंगी जैसे जर्मन, लेबरा, रोटविलर, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें उल्टी हो जाती है बहुत जल्दी, उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, सर्दी गर्मी बारिशों में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ आप स्ट्रीट डॉग को देख सकते हो, चाहे कितनी भी ठंड हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो फ्रेंड्स नॉर्मल ओपन रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होती, उन्हें एक तरह से गॉड गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, उन्हें अपनी केयर वो खुद कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प के। तो फ्रेंड्स अगर आप लेने चाह रहे हो तो स्ट्रीट डॉग ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। अगर आप फॉरनर ब्रीड्स लेना चाहते हो तो फॉरनर ब्रीड्स ले लीजिए, दोनों में प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, जो आपको लेना वो ले लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपको स्ट्रीट डॉग लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।